ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहजादे सलीम किसी भी सूरत हाल में मुगले तख्त के वारिस नहीं हो सकते। हमारा मानना है कि बस अगर ये गुस्ताखी किसी और ने की होती तो हम भी इसी वक्त उसका सर काट कर फेंक देते। हमारी औलाद और हमारे शरीर के हयात के लिए अगर कोई इस तरह की बेइज्जती करेगा तो हम उसे दो गज जमीन भी नसीब नहीं होने देंगे। शेखू मुगल सल्तनत के वली हाथ है, पर जोधा बेगम हमारे मौजवानी होने के साथ साथ मल्लिका एहन भी है। उनकी शान में इस तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फिर चाहे वो शाहिरान की तरफ से ही क्यों ना हो। हुजूर, एक बार इनकी पूरी बात सुन ली जाए। क्यों, आखिर इस खत को इतनी तजवीज क्यों दी जाए? और फिर किस लिहाज से हमारा निकाह नाजायज है? हमने जोधा बेगम से निकाह सारे रस्मों रिवाजों को निभाते हुए किया है। हुजूर, कायदा तो यही कहता है कि निकाह के बाद बीबी को शोहर का मजहब कबूल कर लेना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, इसे बड़ी आसानी से जायज किया जा सकता है। एक हल है जिसमें आपकी बात भी रह जाएगी और आपका मकाम इस्लामी दुनिया में ऊंचा रहेगा। अगर आपकी हिंदू बेगम अपना मजहब बदल लें, इस्लाम कबूल कर लें, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए, इस बात पर कोई शक मत रखिएगा कि हम शाहिरान की बहुत इज्जत करते हैं। वक्त दर वक्त उन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों की मदद की है, हम शुक्रगुजार हैं उनके। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मुगल सल्तनत को हमने खुद कदम पर कायम किया, उसके लिए हमने उनका मुंह तक नहीं दिखाई। ये तख्त हमने हमारे शमशीर और हमारे दिमाग के जोर पर कायम किया है और इसीलिए मुगल सल्तनत पर उनके कायदे लागू नहीं होते हैं। लेकिन इस्लाम के कायदों से आप मुकर नहीं सकते हुजूर। इस्लाम गैर मजहब में निकाह के खिलाफ नहीं है, और अगर आप अपनी बीवी को इस्लाम कबूल करवाने में कामयाब रहे तो ये एक सबाब का काम होगा। और अगर हम आपकी बात ना माने तो? अगर ऐसा हुआ तो मुगल सल्तनत के किसी भी शख्स को हज और उमराह नहीं करने दिया जाएगा। मुकद्दस मक्का और मदीना में मुगल सल्तनत के किसी भी शख्स के आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आपकी एक जिद आपकी आवाम के अनगिनत लोगों को इस्लाम के फर्ज से महरूम कर देगी। यही नहीं, इसके अलावा और भी कई पाबंदियां लगा दी जाएगी। मुगल सल्तनत को किसी भी तरह की कोई मदद नहीं दी जाएगी। ईरान के अख्तियार में आने वाली जमीन पर ना ही आपको गुजरने दिया जाएगा और ना ही तिजारत की सहूलियत। तो आप हमें धमकी दे रहे हैं? ठीक है, अब जाकर कह दीजिए शाहिरान से कि हमें उनका मशवरा कबूल नहीं चाहिए। हुजूर, ये मामला हमें लगता है थोड़ा संजीदा है। इस पर कोई भी फैसला लेने के लिए जल्दबाजी ना की जाए, क्योंकि ये फैसला सिर्फ सियासत का नहीं मजहब के साथ जुड़ गया है। बेशक आप अपने मशवरा दानों से और अपने अजीज लोगों से इस बाबत मशलत करें, हम आपके जवाब के लिए फिर से हाजिर हो जाएंगे। हमें इजाजत दीजिए। आखिर हमारे शरीक हयात के लिए कोई इस तरह का मशवरा कैसे दे सकता है? गुस्ताखी माफ शहंशाह, मगर कोई भी फैसला लेने से पहले आप ये ध्यान रखें कि ये मसला सिर्फ आपकी शरीक हयात से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मसला अवाम के साथ जुड़ा हुआ है। बेशक अगर शाह ईरान ने पाबंदी लगा दी तो सल्तनत का कोई भी मुसलमान हज उमरा पर नहीं जा सकेगा और अपने सबसे बड़े फर्ज को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने हमारी सल्तनत में हर मजहब को इज्जत दी है, बात चाहे लाखों की अवाम की हो या एक के ईमान की। किसी से जबरन कोई मजहब कबूल करवाना गुनाह है, और हमने खुद जोधा बेगम को ज़ुबान दी है कि हम उन्हें कभी उनका मजहब बदलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। मगर हुजूर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्लामी दुनिया में शाह ईरान एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं, इसलिए हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। दुनिया में मौजूद हर मुस्लिम सल्तनत उनकी बात को पत्थर की लकीर समझती है। कहीं ऐसा ना हो कि एक जिद की वजह से हमें बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो।
होशियार, होशियार, कहाँ मर गया होशियार, 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 यूसुफ, कहाँ मर गए थे तुम, कहाँ मर गए थे तुम? एक बार से ज्यादा बुलाने की जरूरत पड़ी ना इंदा, तो तुम्हारा सर कलम करवा देंगे हम। गुस्ताखी माफ़ हो पातशाही बेगम। हाँ, पातशाही बेगम, हाँ, पातशाही बेगम, क्यों? मलिकाए हिंद नहीं कहोगे? हाँ, मलिकाए हिंद नहीं कहोगे हमें? 100 सोने की मोहरे इनाम में चाहिए थी ना? हाँ, अब मुबारकबाद नहीं दोगे हमें? ताजदार बेगम, ताजदार बेगम, लाने दे हम पर, लेकर जाओ ये ताज, अभी की अभी, लेकर जाओ ये ताज यहाँ से। फिर से, एक बार फिर से जोधा बेगम ने बाजी मार ली। क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हर बार जोधा बेगम को वही चीज मिलती है जिनकी उन्हें दरकार नहीं, जिनकी उन्हें चाह नहीं, और हमें हमें जो चीज चाहिए होती है वो हमसे हमेशा छीन जाती है। क्यों क्यों? हमने हमेशा कोशिश की कि हम जोधा बेगम से मोहब्बत से पेश आए, लेकिन हर बार जलाल कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे हमें मलाल होता है कि हम नेक क्यों बने? क्या हम खूबसूरत नहीं? हाँ, क्या हमें अकल नहीं है? क्या हम जोधा बेगम से बेहतर नहीं है? तो फिर क्यों हर बार जलाल की जबान पर एक ही नाम होता है, जोधा बेगम का नाम? जलाल की नजरों में सिर्फ वही बसती है। क्यों? नहीं, हमें अभी कुछ खाने का दिल नहीं है। अम्मी जान, आपने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मी जान। हकीमा साहिबा ने कहा है कि आपको हर प्रहर कुछ न कुछ खाते रहना होगा। तुम फिक्र मत करो, अभी जलाल आते ही होंगे। एक बार हमें सुकून मिल जाए कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद हम कुछ न कुछ खा लेंगे। क्या हुआ जलाल, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ अम्मी जान, सब ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। बस एक सियासी मुद्दा था बस। अगर कोई छोटा मसला होता तो शाह ईरान के एलची इस तरह रस्म को रोकने को नहीं कहते, ना ही वो जनाना और हिंदू दरबारियों को बाहर जाने को कहते। कहीं कोई मजहब से जुड़ा हुआ मसला तो नहीं? नहीं नहीं अम्मी जान, हमने कहा ना बस एक सियासी मुद्दा था, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। और उन्होंने रस्म को इसलिए रोक दिया था क्योंकि उनका कहना था कि मुकद्दस वक्त बीत गया था, अब जब मुकद्दस वक्त आएगा तो उस दौरान हम रस्म निभा लेंगे। ऐसी फिक्र वाली कोई बात नहीं है, अब खामा का परेशान ना हो। हमें लगता है कि वक्त काफी हो गया, आप सबको आराम कर लेना चाहिए, हम इजाजत चाहते हैं। कोई तो बात है, तभी शहंशाह हमसे नजरें नहीं मिला रहे हैं, परंतु क्या हो सकता है? कहीं कोई मजहब से जुड़ा हुआ मसला तो नहीं? नहीं नहीं अम्मी जान, हमने कहा ना बस एक सियासी मुद्दा था, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। और शहंशाह कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, परंतु उनका चेहरा कुछ और ही दिखा रहा था। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महल में होते हुए शहंशाह हमसे शुभ रात्रि कहने ना आए हों। कोई तो बात है जिसकी वजह से शहंशाह बहुत अधिक चिंतित है, हमें उनसे मिलकर बात करनी होगी। क्या हुआ शहंशाह, आज रात आप अभी तक यहां पर हैं, सोए नहीं? यूं ही नींद नहीं आ रही।
थी तो इसलिए। आप यहाँ? क्योंकि हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि कोई बात है जो आपको बहुत चिंतित कर रही है। बताइए हमें क्या बात है। नहीं बस नहीं नहीं आ रही थी, आप परेशान हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं शहंशाह, कोई बात तो अवश्य है और यकीनन ये बात शाह ईरान के दूतों से जुड़ी हुई है। क्या हुआ आपको? आप तो अपना हर सुख दुख हमारे साथ बांटते हैं, तो फिर ये बात क्यों नहीं बता रहे, बताइए हमें। वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शाहरान के एलची ने जिस तरह वो जश्न रोक दिया, वो बात हमें ठीक नहीं लगी। और फिर हमने हमारी सल्तनत में सबको बराबरी का मकाम दिया है, उनका वो बात क्या नाम अंत तक चुप गया। तो उन्होंने अकेले में आपसे क्या बात की? वो तो बस एक सियासी मुद्दा है, उस बात की फिक्र आप ना करें, उसे हम निपटा लेंगे। अब चलें, चलिए चलकर सो जाइए, वरना आपकी नींद खराब करने का इल्जाम हम पर लग जाएगा। आइए, कोई बात नहीं, आइए। सकीना, अनार, तुम वाला, तुम लोग बाजार से खरीदारी कर लो, हम यहीं हैं अपनी सहेली के पास। ठीक है। अब तो आप शाही रक्कासा हो गई हैं। आधा हुजूर, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, हम तुम्हारे लिए नादिरा थे, नादिरा है और हमेशा रहेंगे जी, तुम्हारे बचपन की दोस्त। आओ। तुमने सुना कल दरबार में क्या हुआ? क्या? वलीहद की खिताबी ताजपोशी रोक दी गई। उन्हें शाह शाह का खिताब देने से पहले शाह ईरान की इल्चियों ने शहनशाह को रोक दिया। क्यों? पता नहीं क्या बात थी, शहनशाह भी उन्हें वहां से अपने मसलत खाने ले गए थे। वैसे ही सब कुछ गलत हुआ, वलीहद ने पिछले दिनों कितने नेक काम किए थे, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की, अपनी अवाम की खिदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हम लोगों की हिफाजत के लिए उन्होंने जंग में जख्म भी खाए। पता नहीं क्यों उनकी ताजपोशी रोक दी गई। जरा रुको, ये वलीहद के बारे में तुम्हारे ख्यालात यकायक कैसे बदल गए? क्योंकि हमें अपनी गलती और गलतफहमी का एहसास हो गया। हम शहजादे के बारे में जो सोचते थे वो ऐसे नहीं, हम अपनी बचपन की नासमझी को अपनी नफरत समझ बैठे थे। मतलब तुम्हें आज भी वलीहद से मोहब्बत है? ऐसी गुस्ताखी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वो वलीहद है और हम एक रकासा, और फिर उनका निकाह हमारी दोस्त शहजादी मानबाई से होने जा रहा है। मोहब्बत से रिश्ते बदलते हैं नादिरा, रिश्तों से मोहब्बत नहीं बदलती, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हें आज भी वलीहद से मोहब्बत है। मोहब्बत करने की इजाजत एक रकासा को नहीं होती है सकीना, बस इतना कहेंगे कि पिछले दिनों हमने उनके साथ जो बर्ताव किया था उसका पछतावा हमें हमेशा रहेगा। अगर ऐसा है तो यह बात तुम्हें उनसे जाके कहनी चाहिए, इससे उनके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे मिजान कि हमने ये बात जोधा बेगम के सामने क्यों नहीं रखी, क्योंकि उन्हें बहुत ठेस पहुंचती और आप ये बात उन्हें नहीं बताएंगे। इस मुश्किल का हमें अकेले ही हल निकालना है। तुमने ठीक किया जलाल, हमें समझ नहीं आता कि कोई भी ऐसी शर्त कैसे रख सकता है, और वो भी शाह ईरान, जिनसे ना सिर्फ हमारी दोस्ती है बल्कि उन्होंने तुम्हारे वालिद और दादा जान की भी हर मुमकिन मदद की है। खैर फिक्र न करें, हम इस मुश्किल का हल निकाल ही लेंगे, लेकिन एक बात तो तय है मिजान की, चाहे कुछ भी हो हम जोधा बेगम को उनके मजहब बदलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, और इसीलिए हमने आपको इस मसले में शामिल होने के लिए बुलाया है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है मिजान, और आपके साथ साथ मुगल सल्तनत के बड़े उलेमा और मौलवी भी इस मसले में शामिल होंगे। फिक्र मत करो जलाल, हम उन्हें अपना नजरिया समझाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। शुक्रिया मिजान। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। क्या इस मुश्किल का कोई हल निकाला आप लोगों ने? हुजूर, इस्लाम की हर किताब और जमात के दस्तावेजों को हमने छान मारा है, मगर बीच का कोई रास्ता नहीं निकला। अगर कोई मुसलमान गैर मजहब में निकाह करता है
तो उसके शौहर या उसकी बीवी को इस्लाम कबूलना ही जायज है। या तो आपको ईरान के शाह की हर बात माननी होगी या हमें उन पाबंदियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मौलवी साहब बजा फरमाते हैं, अगर मजहबी दस्तावेजों में कोई हल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की नाजायज मांग को मान लेंगे। आज तक किसी को कोई एतराज नहीं था लेकिन अचानक से एक पैगाम की वजह से हम हमारे उसूलों को नहीं बदलेंगे और ना ही चौथा बेगम को उनका मजहब बदलने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि एक हुक्मरान का सबसे बड़ा फर्ज यही होता है कि वो अपने अवाम के अपने लोगों की इज्जत करे, उनकी हिफाजत करे और उन्हें किसी कश्मकश में नहीं डाले। हम पहले ऐलान कर चुके हैं कि मुगल सल्तनत में सबको अपने मजहब अपने धर्म अपने फिरके पर कायम रहने की इजाजत है और हम हमारे उन लफ्जों पर कायम रहेंगे। परंतु शहंशाह, बीच का कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। कोई बीच का हल नहीं निकल सकता, यह मजहबी मामला है। हमने पूरी बहस पर गौर फरमाया मरे मकाने, इस मामले पर आपकी क्या राय है? मसला संगीन है जलाल, हम अपनी आवाम को तकलीफ में नहीं देख सकते और उन्हें अपने मजहबी फर्ज से महरूम भी नहीं कर सकते, लेकिन जोधा बेगम को उनका मजहब बदलने के लिए मजबूर भी तो नहीं कर सकते। हमें इस मसले पे और गौर करना होगा। तब तक आप लोग इस मुश्किल का हल ढूंढने की कोशिश जारी रखें, लेकिन एक बात तय है कि हम जोधा बेगम को उनका मजहब बदलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। शहजादे, क्या आप अब तक ईरानी एलचियों को लेकर परेशान हैं? बेशक कुतुब, क्योंकि अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि आखिर मसला क्या है। शहंशाह काफी परेशान है, लगता है मामला काफी संजीदा है। शहंशाह हर बार जोर देते हैं कि हम उनकी हर मसलत में शामिल रहे, बस इस बार उन्होंने इस मामले से हमें दूर रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है भाईजान, अब बुलाया तो हमें और मुराद भाईजान को भी नहीं। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिसमें अब्बू जान हमें शामिल ना करना चाहते। शहजादे दानियाल बजा फरमाते हैं। चलिए भाईजान, आपको थोड़ा बाजार घुमाते हैं, आपका दिल हल्का हो जाएगा। सकीना, शबाना, क्या हुआ? तेरे अब्बू की तबीयत खराब हो गई है। हाँ? सकीना, तुम घर जाओ, हम हैं यहाँ। मगर तुम? हमने पहले भी तो दुकान संभाली है ना, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। मोहतरमा, इस खंजर की कीमत क्या है? तस्लीम वाली है। तस्लीम, कोई मुश्किल आन पड़ी है जो आप यहाँ काम कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है अब्बू, ये दुकान हमारी सहेली की है, उसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लौटने तक हम दुकान संभाल रहे हैं। हमें ये खंजर चाहिए। आप ले सकते हैं। आपने दाम नहीं बताया इसका। ये सल्तनत आपकी है उसे, आप जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो आपकी होगी। नहीं नहीं, बिना दाम के हम कुछ भी नहीं लेंगे। कभी कभी किसी अमीर का शौक किसी गरीब के पेट पर लात बन जाती है, ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। आप इसका दाम बताइए तभी हम इसे लेंगे। वली अहद को दाम बताना अदब नहीं, आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए। सुनिए, ये लीजिए। ये तो बहुत ज्यादा है। वलियत के दिए हुए दाम की कीमत लगाना भी अदब नहीं है।
और वैसे भी उस खंजर की कीमत हमारे लिए अनमोल। सुनिए, हम अपनी सहेली की ओर से कहना चाहते हैं कि वो आपकी बहुत एहसानमंद है, अपनी हयाती नेक इंसान है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप पर करम बनाए रखे। अपनी सहेली से कहिएगा कि हमारे लिए उनकी सोच के लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम खुदा से दुआ करेंगे कि उनके वालिद जल्दी शिफा पाए। ये सलीम भाईजान कहाँ चले गए? खुदा हाफिज। हमारी ओर से तोहफा कबूल कीजिए सफीर शाह ईरान। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना बताएं कि आपके शहंशाह ने क्या फैसला लिया है, शाह ईरान की शर्तें उन्हें मंजूर हैं या नहीं। यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि शहंशाह के सामने क्या शर्त रखी है इन लोगों ने। शहंशाह इसके बारे में सोच रहे हैं। बेहतर इसी में है कि वो शर्तें मान लें और उनके हिंदू बेगम अपना मजहब बदल लें, वरना ना तो शहजादे सलीम बादशाह बन पाएंगे और ना ही मुगल सल्तनत के किसी भी बाशिंदे को हज उमराह करना नसीब होगा। वो तो शहंशाह का फैसला है, हम तो बस अपने मोहब्बत का तोहफा पेश करने आए थे। इजाजत दीजिए। तो ये मसला है, बड़ा पेचीदा मसला है। अब देखते हैं शहंशाह क्या करते हैं। शहंशाह क्या करने वाले हैं वो उनका मसला है, मगर हम इस खबर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने वाले हैं। हाँ करे या ना करे, इस बार हम इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देने वाले हैं। जो आग शहंशाह और वलियत के बीच में बच गई है, हम इस आग को फिर से चिंगारी देंगे। आप यहाँ? जी शहंशाह, हमने सोचा कि आपके साथ शतरंज की एक बाजी खेली जाए। हमने गलत तो नहीं सोचा ना? बेशक नहीं, बिल्कुल सही फैसला लिया आपने। हम भी सोच रहे थे कि आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार लें। शहंशाह, आपको याद है हमारी शादी के दिन क्या हुआ था? ये इस तरह हमारी शादी का दिन आपको अचानक कैसे याद आ गया? और हाँ, हमें सब कुछ याद है। पहले हमने आपके रिवाजों के हिसाब से हमारा निकाह किया था। ये रही हमारी पहली चाल। फिर तो आपको वो सात वचन भी याद होंगे जो हमने लिए थे। बेशक हैं। पहले हमारा निकाह आपके हिंदू रिवाजों के हिसाब से हुआ था और तब से लेकर आज तक हमने हर बात उन रस्मों कस्मों के हिसाब से निभाने की कोशिश की है। ये गया आपका मोहरा। कितने झूठे हैं आप शहंशाह। यदि आपको वो सात वचन याद हैं, तो फिर आपको ये भी याद होगा कि सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, आपने वचन लिया था कि आप अपनी हर बात हमारे साथ बांटेंगे, कुछ नहीं छिपाएंगे। याद है आपको वो वचन? लेकिन मतलब? मतलब ये कि जो बात आप हमसे छिपा रहे हैं, यदि वो बात किसी बाहर वाले से हमें पता चलेगी तो हमें कितना दुख पहुंचेगा, ये सोचा है आपने? हम खुद नहीं चाहते थे चौधरी की जो बात हमें आपको बतानी चाहिए वो किसी और से आपको पता चले, लेकिन अब बात ही कुछ ऐसी थी कि हम आपको बताने से झिझक रहे थे। शहंशाह, जो भी बात है आप हमें बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। और बात की गंभीरता तो हमें उसी समय पता चल गई थी जब सलीम को खिताब देने से रोका गया था। हम जानना चाहते हैं क्या बात है, बताइए हमें। दरअसल शाहरान नहीं चाहते कि
हम शेखों को बादशाह बनाए।